हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने अमेजोन से क्या ही वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। साथ में क्या काइंड ऑफ रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि अगर इफ इन केस अगर ये फॉल्टी आता है तो। सामने दिख रहा है पूरे, हाँ इसको उठा पीछे। इतना नो चोट लगेगी। कितने बजे आए? हाँ, दो बजे के करीब है शायद। अच्छा, पैकिंग के अंदर पैकिंग है। मैंने सोचा अगर ऐसी पैकिंग होगी तो पक्का खराब होगा। एक वैक्यूम क्लीनर ना स्टीम मोपिंग वाला ही होता है। कौन पता चले जाए। सीजर दो, सीजर सेलो टेप लगी है। सीजर दो ना, सेलो टेप है, नहीं फट रहा। जल गैस आई थी, अभी खड़खड़ करा रही थी, खराब। लग रहा है कि ना ये वापिस लगाई हुई है, लेकिन वो वाला ना हो कहीं से, जैसे होता ना उसने वापिस किया हो। आपको बताने भूल गया, ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, तो वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। इसके दो मॉडल थे, एक किसका था 6000 के अराउंड, तो ये वाला था 8000 के अराउंड। कर्चर नाम पता नहीं क्या है, अजीब सा। खोलने तो दे यार। सानवी इसको पकड़, ये भी रो रही है, चलती नहीं। नीचे से इससे पहले निकलता है ये खतरनाक वाला पाइप, जिसको इदिता सुन के हो जाएगी परेशान। हेलो हेलो इदिता, इदिता इदिता इदिता, क्या कर रहे हो इदिता इदिता? तो एक निकला ये पानी, पैकिंग तो भाई जबरदस्त कर रखी है। सोन भी वास भी ऐसी पैकिंग में आया था ना। ये क्या क्या चित्र रख दिया अटैचमेंट्स। सो
ऐसा कुछ निकला हमारा इसमें क्या क्या आया है ये क्या है अबे ये क्या है ये वो है ना कारपेट वगैरह साफ करने के लिए होगा नहीं ना वो इसको अटैच करने के लिए कुछ होगा ना तो वो होगा नीचे अटैचमेंट है तो ये अपने को दो एक्सटेंशन इसमें मिल रही हैं ठीक है इसको ऐसे करके हम आगे पहुंच जाएंगे और क्या इसमें बस नहीं इसके बीच में होगा आवाज नहीं आ रही थी जब देखो ये इसका डस्ट बैग है एक डस्ट बैग है तो इसको रखते हैं यहाँ पे और इसको खोलने के लिए साइड में दो लॉक दिए हैं ये है अटैचमेंट्स सो ये है इसका फिल्टर छेड़ेंगे नहीं ये है इसके चार चक्के चार पहियों की गाड़ी ओके दिस इज कुछ तो है ये है उसका अटैचमेंट वो जो है ना आप बोल रहे थे किसका हां मुझे निकलेगा जब हां वो शायद कारपेट वगैरह साफ करने के लिए लेकिन ये पूरा ओके देखिए वो कोने में देखिए वो तो वैसे ही है वो तो स्टिकर है वो कोने में स्टिकर है स्टिकर नहीं है रुचि देखना स्टिकर है वो पापा वो कुछ डिजाइन स्टिकर है ठीक है तो इसको रखते हैं साइड में अब जोड़ते हैं और ये मेन मशीन हो गया ये है इसका डस्ट बैग तो डस्ट बैग को यहाँ पे लगाएंगे ये कैमरा जैसे लग रहा था ये लग गया ये है जब अपने को ड्राई करना है वेट करना जब अपने को वेट करना होगा तो ये खुला हो बाप रे मशीन को वापस लगाएंगे क्या पता है मेरे को लग नहीं रहा भाई कौन लगा जी भी लग रहा आटे ड्रम में लग गए तो आटे ड्रम में चाहिए थी तीन इंच आटा आज मैंने एक वीडियो रेडी देखा ना कि यूज़ कर रही थी लेडी थ्री इन वन ड्राई मोपिंग एंड स्टीम मोपिंग मेरे को तो आज फर्स्ट टाइम पता चला कि स्टीम मोपिंग भी होती है स्टीम निकल के फ्लोर की मोपिंग हो रही थी मतलब कि वो है एक तरह का वो जो आजकल चला ना जैसे कोविड के क्या बोलते हैं अरे यार क्या बोलते हैं मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा तो वो दो दूसरा जैसे जो जर्म्स वगैरह रहते हैं ना उनको वो सैनिटाइज करता है हाँ आई थिंक ये यहाँ का होगा ना हाँ तो एक बार लग जाएगा खुलेगा नहीं क्या पता ये वायर अगर यहाँ लगी तो यानी कि पूरे घर नहीं हो सकता तो क्या हुआ आप डर गए तो ये कनेक्टर है इसमें दो चीजें कर सकते हो एक तो आप इसको यहाँ पे लगाओगे ये ऑटो टक करके लॉक की आ जाएगी फिर आप क्या तो दिखा भी दो ना कहाँ लगा रहे कहाँ लगा रहे आप ये वाला सन लाइट ऑन करना सन वाली तो इसको यहाँ पे जब लगाओगे ना लॉक की साउंड आएगी जब इसको खोलना यहाँ से हल्का सा प्रेस करना बाहर आ जाएगा तो ये सक्शन के लिए है और ये ब्लोअर के लिए है और जैसे कारपेट वगैरह साफ करना है तो कौन सा कारपेट कर लेंगे साफ पहले ऑन तो करना है क्या हुआ बस करो सभी वैक्यूम क्लीनर की इतनी आवाज आती होगी किसकी ज्यादा है सभी की ऐसी आती होगी या इसकी ज्यादा है पता नहीं मैं तो पहला यूज कर रहा हूं नहीं जो वो स्टिक वाला करते हैं लोग उनकी तो मुझे जरा भी आवाज नहीं सुनाई देती
अरे मत करो, अरे मत ले क्या, नहीं ले क्या। ये यहाँ पे अटैच करना है ना, ये वाला पाइप जो है इसको कहाँ अटैच करना है? एक्सटेंड करना हो जब टिकड़े बड़े प्यारे नहीं दिखने में जानता। हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं कैसे काम करता है ये, इसका बेसिकली सक्शन पावर कैसा है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ इसके रिव्यू वीडियोस के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।